नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आज मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे और सृष्टि श्रीवास्तव। बात करने जा रहे हैं अतीक अहमद को लेकर। माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, प्रयागराज की MP MLA कोर्ट उसे सजा सुना चुकी है, लेकिन मुश्किलें यहां पर रोहित सृष्टि खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती हैं, क्योंकि अतीक अहमद हो या उसका पूरा परिवार हो, उसके गुर्गे हो, सब पर योगी की पुलिस ने बारीकी से नजर बनाई हुई है। आज कुछ अपडेट्स आई हैं, वो अपडेट्स मैं आपको बताऊंगी और इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे कि क्या योगी के साथ साथ मोदी भी अब इस पूरे प्रकरण में इनडायरेक्टली जुड़ने लगे हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बड़ी खबर आई आज रोहित की, जो साबरमती जेल है उसमें अतीक अहमद की बैरक को शिफ्ट कर दिया गया है, यानी अब एक 200 नंबर का बैरक है जिसमें अतीक अहमद को रखा जाएगा। ये पूरी खबर क्या है सृष्टि बताएंगी। खबर ये कि शुरू से बातें चल रही थी, जब उमेश पाल अपहरण केस में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, तो उसके बाद काफी कुछ बदलाव हुआ अतीक की जिंदगी में। जैसे वो जेल में भी पहले बहुत मौज काटता था, पार्टी वार्टी करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया जैसे ही उसके साथ उम्र कैद की उसको सजा सुनाई गई। वो जब गया साबरमती जेल, सबसे पहले तो उसकी बैरक अब बदल दी गई है, इसके साथ ही उसको ज्यादा सिक्योरिटी मिली है, सिक्योरिटी उस पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि भले ही वो जेल में है लेकिन मौज में रहता है, पार्टी चलती है, कोई वैसे जेल वाला सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन अब जब उसको सजा सुना दी गई है तो उसकी बैरक बदल दी गई है, इसके साथ ही उसको नई पहचान मिली है 17052, अब उस नाम से वो कैदी नंबर 17052 के नाम से वो जाना जाएगा। इसके साथ आपने जैसे बताया कि अब उसकी बैरक बदल दी गई है, अब वो जिस जगह रहता था, जिस जेल में, अब वहाँ नहीं रहेगा वो, उसको उसका रूम शिफ्ट हो गया है। इसके साथ ही सिक्योरिटी भी टाइट रहेगी, बाहर भी सिक्योरिटी रहेगी, तो वो जैसे पहले रहता था ऐशो आराम में, अब वो वैसे नहीं। दूसरी बड़ी खबर रोहित पर आने से पहले मैं ये बता दूं कि शाइस्ता रोहित, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, 25,000 की इनामी थी, उस पर 50,000 इनाम घोषित कर दिया गया है, यानी उस राशि को डबल कर दिया गया है। तो ये दो बड़ी खबर जो आई है, ये कहीं ना कहीं मोदी का नाम इसमें बीच में आने लगा है। डायरेक्टली कहना अभी कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो पुलिस प्रशासन है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, कोर्ट इसमें अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन मोदी का जिक्र क्यों आ रहा है, मोदी के गुजरात में, मोदी के गढ़ गुजरात में जो साबरमती जेल पड़ती है वहां पर ये सारी चीजें हुई है। इसीलिए रोहित, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो लिख रहे हैं कि सिर्फ योगी ही नहीं, मोदी योगी मिलकर मिट्टी में मिलाएंगे माफिया को। और बिल्कुल नम्रता, जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, हमने देखा है कल गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विकास वो कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कानून का राज चला रहे हैं यहाँ पर, वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिस उम्मीद के साथ मोदी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाया था वो पूरी उम्मीदें वो पूरा कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और याद होगा आपको 25 फरवरी का वो दिन जब डंके की चोट पर वो कहते हैं सदन में कि जिन भी माफियाओं को, खासकर उन्होंने नाम लिया इस अतीक अहमद को, जिसको पाला गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके पूरे गैंग को मैं, उसके पूरे गुर्गों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और उसके बाद कार्रवाई हुई, हालांकि अभी कुछ सवाल हैं कि 5 शूटर कहाँ हैं, नहीं मिल रहे हैं, शाइस्ता परवीन नहीं मिल रही हैं, असद अभी तक फरार है, STF और UP पुलिस लगातार खोज कर रही है उनकी, इनाम पर इनाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद की मुश्किलें इस वक्त लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरे ख्याल से अतीक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक उदाहरण है सभी के लिए, सभी माफियाओं के लिए, कि अब जो भी पंगा लेगा, जो भी हरकत करेगा कुछ बुरा करने की, उसके साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी आज ही एक खबर आई है कि राजू पाल हत्याकांड में जो शूटर था वो खुद ही आके सरेंडर, अब्दुल कवी खुद ही आके सरेंडर कर दिया, डर से, इनकाउंटर के डर से, क्योंकि लगातार इनकाउंटर होना शुरू हो गया। और सोचिए 18 साल से फरार था वो, 18 साल से, जी 18 साल से वो फरार था, और इस बीच उसको कभी कुछ डर नहीं हुआ, वो मौज में था, लेकिन जैसे ही मतलब खौफ देखे सीएम योगी की सरकार का कि उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी उसको इनकाउंटर करके ऐसे सताने लगा कि वो खुद ही आकर सरेंडर, जैसे तो ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता भी कुछ दिन में सरेंडर कर दे, हालात तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक लोग सरेंडर करते हुए दिखेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर पुलिस ने पकड़ा, आप भागते हुए पकड़े गए या आपने सरेंडर नहीं किया तो क्या अंजाम होगा वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हम सब ने देखा है, वो हम सब ने देखा कि क्या कुछ हुआ इनकाउंटर उमेश पाल हत्याकांड के बाद। जैसा आपने जिक्र किया कि 18 साल बाद उसने सरेंडर किया है, तो ये कहानी केवल 18 साल की नहीं है नम्रता। हम वहाँ पर, मैंने वहाँ पर पढ़ाई की प्रयागराज में जब इलाहाबाद हुआ करता था, मैंने देखा है किस तरीके से खौफ रहा है अतीक अहमद का, उसके गुर्गों का। अतीक अहमद तो बहुत मतलब छोटी बात कर देंगे कि हम अतीक अहमद का खौफ था, उसके जो छोटे से छोटे गुर्गे रहे हैं ना,
उनका खौफ रहा है पूरे इलाहाबाद में। हमने देखा है किस तरीके से वर्चस्व एक रहा है, ये केवल 18 साल की कहानी नहीं है, इस कहानी में 40 से 44 साल जुड़ते हैं, और इन 44 सालों में जिस तरीके से अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य चलाया, एक चांद बाबा गैंग को ख़त्म करके उसने अपना गैंग बनाया, और फिर उस गैंग के सहारे उसने पूरे प्रयागराज ही नहीं, आप उस प्रयागराज के आसपास जितने ज़िले पड़ते हैं उसमें इस वक्त वाराणसी है, कौशाम्बी है, उसमें जौनपुर आपको पड़ जाएगा, आजमगढ़ पड़ जाएगा, मेरा जिला प्रतापगढ़ पड़ जाएगा, रायबरेली पड़ जाएगा आपको, चित्रकूट हो जाएगा, तो ये सब जिले हैं ना, हर जगह अतीक का खौफ था, इनके पूरे गैंग का खौफ था, तो उन सरकारों ने पाला पोसा, इसमें कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। 2005 25 जनवरी की का वो दिन कोई नहीं भूल सकता है जब एक निर्वाचित सांसद को प्रयागराज के धूमनगंज पर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून दिया गया था, और डॉक्टर भी नहीं इलाज करना चाहते थे। सोचिए 9 दिन की शादी हुई थी राजूपाल की, हालांकि आज पूजा पाल उसी समाजवादी पार्टी में है जिस वक्त अतीक अहमद को वो समाजवादी पार्टी उस वक्त जो सह दे रही थी, वो बातें बात की हैं, वो उनका कॉल है कि वो किस पार्टी में रहें, लेकिन जो कुछ उस वक्त हुआ था धज्जियां उड़ा दी गई थी, और ये माफिया आराम से अय्याशियां करते रहे, जेलों में बंद रहे, बिरयानी खाते रहे। कल खबरें आई कि अतीक अहमद को अशरफ को बरेली जेल में है, उसके लिए पीलीभीत से बिरयानी आती है खाने के लिए, अभी भी आती है, हाँ अभी तक आती थी, और बांदा जेल में मुख्तार बंद है, उसके लिए विदेशी फल आते हैं खाने के लिए। तो अब सीएम योगी की सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन भी अधिकारियों ने उन्हें अलग से खाना दिया, तो जो हाल हम माफियाओं का कर रहे हैं वो अधिकारियों का भी करेंगे। और बल्कि तीन जेल जिसमें आपने बांदा का जिक्र किया, मैं नैनी जेल बता दूं और बरेली जेल, इन तीन जेल के जो जेलर हैं उनको सस्पेंड किया गया है उसी के बाद ये एक्शन। अच्छा, ये उसके बाद का एक्शन है। सोचिए तीनों जेलरों को सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, और अब वहां पर नई नियुक्ति की गई। वही आदेश सीधे है, सीधा आदेश है कि हमने तो तीन ट्रांसफर करके उन्होंने बता दिया बर्खास्त करके, अब सीएम योगी की सरकार का सीधा आदेश है, अभी बर्खास्तगी हुई है, अगली बार अगर आपने इन माफियाओं को सह दिया तो फिर ठीक नहीं होगा, आप अधिकारी होंगे लेकिन अगर कानून व्यवस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया तो ठीक नहीं होगा। आपको नम्रता वो भी याद होगा, साबरमती से अतीक चलता है, उसको बाय रोड लाया जाता है, और रात 1:17 या 10 ऐसे कुछ, तो मुझे फिगर एग्जैक्ट नहीं याद है, अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है रातों रात। सीएम योगी कहीं दौरे पर थे, 11 बजे वो पहुँचते हैं लखनऊ, उन मीटिंग लेते हैं कि क्या पूरा मामला है, और वो तुरंत आदेश देते हैं कि रात के 1 बजे ही सभी अधिकारियों का ट्रांसफर हो, और अतीक के आने के पहले वो सभी अधिकारी प्रयागराज छोड़ देंगे। कारण उन अधिकारियों ने पहले अतीक अहमद और उनके गुर्गों का साथ दिया था, किसी न किसी तरीके से उनकी सहायता की थी, तो सीएम योगी उस दिन ये नहीं चाहते थे कि कोई भी अनहोनी हो, क्योंकि अधिकारी रहेंगे तो हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था में ढील हो जाए, 17 अधिकारी कहीं ना कहीं तो तैनात होंगे ना, तो इसीलिए उनका आदेश था कि रात का ट्रांसफर, सुबह ये सब प्रयागराज छोड़ देंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और उनके काम पर मुहर जनता लगा रही है। 2017 में पहली बार जिताया और 2022 में ठप्पा लगाया है कि आपका काम सबसे नंबर वन। सृष्टि कुछ कह रही थी, सवाल था कि हो सकता है कि इसका होगा क्या, मतलब होगा ही कि 2024 में सीएम योगी को बीजेपी को इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि अतीक कई लोगों के नाक में दम करके रखा हुआ, केवल जिसके ऊपर हाथ रख देता था उसको बर्बाद कर देता था, तो जब उसको सजा मिली तो लोगों में खुशी का माहौल तो जरूर ही होगा कि भाई मेरा। प्रयागराज की सड़कों पर देखा है रोहित ने, जहां पर खौफ का साया हुआ करता था वहां पर लोग कितने खुश थे, रोहित ने खुद बताया था, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रोहित अपनी टीम के साथ कवर करने के लिए गए थे, तो वहां पर जैसे ही प्रयागराज के एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक को ये सजा सुनाई तो बल्कि लोग फांसी की मांग करने लगे थे, कोर्ट में भी जो वकील थे वो फांसी की सजा की मांग करने लगे थे। हाँ बिल्कुल, ये है बदलाव। नम्रता इस वक्त स्क्रीन पर आप वो जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हम उस वक्त गए थे, और वकील जो होते हैं उनका पेशा होता है कि किसी का डिफेंड करना है, किसी को वो सजा दिलानी है, लेकिन उस दिन ऐसा हमने पहली बार नज़ारा देखा। मैं इतने साल तक इलाहाबाद में रहा हूँ, प्रयागराज में इतने साल तक रहा हूँ, वकीलों से भी ठीक ठाक हमारे जान पहचान रहे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा वकीलों में हो। ये पूरी लॉबी थी जो कि केवल अतीक अहमद को सजा दिलाना चाहती थी, जबकि आपका पेशा है, आप तो नहीं होंगे ना, आप तो केवल दलीलें दे सकते हैं, लेकिन उस दिन ये था कि अगर नम्रता पुलिस बीच में ना आती तो शायद बवाल बहुत बड़ा होता, अतीक को मारने तक वकील दौड़ पड़े थे, गाली गलौच हो रही थी वहां पर, क्योंकि उमेश पाल भी एक वकील ही थे, जो उस तरीके से उनको मारा गया, तो वकीलों में ये रोष था कि आज हमारी गिरेबान पर इसने हाथ डाल दिया है, तो ये वो रोज मुझे देखने को मिला था वहाँ पर। और हमने लगातार कवरेज की थी नैनी जेल से लेकर हम कोर्ट तक, एमपीएमएलए कोर्ट तक पहुँचे थे, हमने कई लोगों से ऑफ द कैमरा भी बात किया, लोग वहाँ बोलने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि अतीक का आतंक वही है, अगर उसको आगे सजा ना हुई तो और ज़्यादा खूंखार बनेगा, ऑफ द कैमरा बहुत से लोगों ने बोला, जब सजा हुई तो लोगों में खुशी थी कि हम तो फांसी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ठीक है उम्र कैद की सजा हुई, आगे भी बहुत से ऐसे केसेस हैं
जिसमें उसको सजा होगी। सृष्टि कुछ जानकारी देना चाहोगी? मेन तो यही था कि 2024 में मिलेगा और इससे सभी माफिया बहुत खौफ में आ गए। बिल्कुल, योगी की इज्जत बढ़ गई है, पहले से तो थी लेकिन अति सच में इतना बड़ा उसका नाम था ना, उसका कारण ये है कि ना 90 का दौर देखा है उत्तर प्रदेश ने, 2000 का दौर देखा है नमता, वो दौर जब उत्तर प्रदेश में AK-47 माफियाओं के घर में हुआ करती थी। नमता मुख्तार अंसारी के घर में ऐसी चीज़ें मिली जो कि सेना यूज़ करती है, वो लेज़र गन उनके यहाँ मिलती है। तो आप सोचिए एक माफिया के घर में लेज़र गन हो जो कि हमारी मिलिट्री यूज़ करती हो, तो कितना बड़ा आप समझ सकते हैं कि उसका कद रहा होगा उन सरकारों में। किसी को भी उड़ा देना, किसी को भी मार देना, उस दौर में हमने और बड़े माफिया देखे हैं जो कि मुख्यमंत्री की सुपारी ले लें, उस दौर में हमने कई ऐसे माफियाओं को देखा है। और तो सोचिए अरबों की संपत्ति, हाँ, ठेके के लिए गोलियां चल जाती थी। तो वो दौर उत्तर प्रदेश ने देखा है जब जीना हराम था वहाँ आम लोगों का, अब जीना हराम है माफियाओं का, अब जीना हराम है इस सरकार में माफियाओं का। तो और योगी योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह चुके हैं सदन में, जिस तरीके से उन्होंने सामने बैठे अखिलेश को सृष्टि ललकारा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, इस गलत फहमी में ना रहे। सीएम योगी की बात पर लोगों को और विश्वास होने लगेगा क्योंकि जैसे वो बोले थे सदन ने वैसे ही किया, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ठीक वैसा ही हुआ। तो लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, विश्वास बोलते हैं वो करते हैं और इसका सीधा सीधा फायदा 2024 में भी होगा। अब आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अतीक के साथ जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।